नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी क्लासेस प्रयागराज में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज ये आप सभी लोगों की क्लास जो चल रही है, ये क्लास नंबर 17 है। ठीक है, तो इसमें हम आज बात करने वाले हैं आज के इस सेशन में अपवाह तंत्र की। अपवाह तंत्र क्या होता है, अर्थात ड्रेनेज सिस्टम, और ड्रेनेज सिस्टम सारी ये क्या चीजें हैं, ये आप इसमें क्या बताना चाह रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम। तो अभी आपको हम, क्योंकि अभी क्लास तो स्टार्ट हुई है, अभी जस्ट देखिए इसके बाद मैं आपको क्या बताता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता हो गया होगा, मेरा नाम है साहिल शेख और मैं आपके इस चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें मैं स्वयं कंप्लीट जीएस की तैयारी को आसान बनाऊंगा, उसके अलावा आपके रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स मैं मजबूत करूंगा, उसके अलावा मैथमेटिक्स की क्लास और इंग्लिश वगैरह की जो भी क्लासें होंगी वो किसी अन्य एडुकेटर्स के द्वारा लिए जाएंगे, जो अभी नहीं हो पा रही है, हालांकि होंगे, बहुत जल्द होंगे। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, मैं जीएस में सारे सब्जेक्ट को डिस्कस करूंगा आपके अपने इस चैनल पर। इसमें कंप्लीट जीएस में ज्योग्राफी, कंप्लीट पॉलिटी, कंप्लीट इकोनॉमी, कंप्लीट हिस्ट्री, हिस्ट्री के तीनों पार्ट, एंशियंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न, साइंस के भी तीनों पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके अलावा स्टैटिक जीके तो डिस्कस किया ही जाएगा, जो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। और रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स मैं स्वयं लेके चलूंगा, अभी मैथ की क्लास आपकी वर्तमान में नहीं चल पा रही है, तो जल्द ही आपके चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए, इससे पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक बातों को बताना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि अपना जो चैनल है यह अभी नया है, और इसमें आप सभी लोग 500 से 1000 सब्सक्राइबर्स बहुत फास्ट लाइए, क्योंकि ये कार्य, प्रचार प्रसार का कार्य आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं, हमारे चैनल पर इतने लोग जुड़ते हैं, उसके बाद अपन चैनल पर एक सेशन होने लगेगा, ये लाइव, जब लाइव होंगे तो आपके डाउट उसी लाइव में सॉल्व कर दिए जाएंगे। हालांकि अभी भी आप चाहें तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें आपको समस्या किसमें आ रही है, ठीक है, उसका समाधान हमारी टीम के द्वारा अवश्य ही किया जाएगा। तो चलिए फिलहाल ज्यादा समय न लेते हुए आज के हम सेशन को करते हैं स्टार्ट। देखिए, हेडिंग बनाइएगा सबसे पहले आप यहां पर, चलिए हेडिंग बनाइए ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, ये हेडिंग बनाइएगा आप लोग, ये हेडिंग रहेगी, हेडिंग हेडिंग बनाइए इस प्रकार से। अपवाह तंत्र की मैं बात कर रहा हूं, तो आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सोचते होंगे भाई कि आप जो अपवाह तंत्र की बात कर रहे हैं, इस अपवाह तंत्र को आप बताइएगा। तो जी बिल्कुल, मैं आपको बताने का ही पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि जब भी मैं कोई भी नया चैप्टर डिस्कस करता हूं ना, तो उसमें क्या होता है कि मैं उसकी जानकारी भी पहले अवेलेबल कराता हूं कि एक्चुअल में जो मैं आज पढ़ने वाला हूं, क्या इस चीज को पहले बेसिक बातों में आपको समझा दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा होता है। तो मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं जो भी नया टॉपिक लेके आता हूं और उसमें आपको पूरा का पूरा समझाने का प्रयास करता हूं कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम। आइए जानते हैं ड्रेनेज सिस्टम को। सबसे पहले हम यहां जानते हैं ये जो ड्रेनेज सिस्टम आप बता रहे हैं इसका अर्थ क्या होता है। साफ शब्दों में अगर मैं कहूं कि इस ड्रेनेज सिस्टम का अर्थ होता है जल प्रवाह प्रणाली। यहां पे आप हमारे साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा, जल प्रवाह प्रणाली। ठीक है,
अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, जल प्रवाह प्रणाली का अर्थ क्या हुआ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो जल प्रवाह प्रणाली की आप बात कर रहे हैं, इसका साफ शब्द ये हुआ, देखिए मैं कह सकता हूं किसी क्षेत्र के जल को कौन सी नदियां बहाकर ले जाती हैं, यही होता है अपवाह तंत्र। यहां पे बनाइएगा, किसी क्षेत्र के, कोई भी क्षेत्र हो, क्षेत्र के जल प्रवाह को कौन सी नदी बहा कर ले जाती है, इस प्रकार से आप बनाइए। हमने आपको बताया ड्रेनेज सिस्टम अर्थात अपवाह तंत्र का अर्थ ये होता है कि जल प्रवाह प्रणाली मतलब जल जल का प्रवाह मतलब जल बह रहा हो, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहां पे लिख दिया कि किसी क्षेत्र, क्षेत्र कोई सा भी हो, उस क्षेत्र में अगर जल प्रवाह हो रहा है, जल बह रहा है, जल बह रहा है, ठीक है, और वह जल बहा कर ले जा रहा है तो नदी बहा कर ले जा रही है। इसमें हमको यही पढ़ना है नदियों के बारे में, ठीक है, नदियों के बारे में पढ़ना है। अब आइए यहां पे जानते हैं और भी बातें, ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड और भी बातों को जानते हैं। अब यहां तक तो आपने बता दिया कि ड्रेनेज सिस्टम का अर्थ ये होता है, क्या आप ये बता सकते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम हमको देखने को कहां मिलता है, इसका विस्तार क्या है, इसका क्षेत्र क्या है। यहां पे लिखिए, उतारिए आप सभी लोग, अपवाह तंत्र क्षेत्र, यानी अपवाह तंत्र के क्षेत्र के बारे में आप बताइए कि ऐसा क्षेत्र कौन सा होता है जहां पर अपवाह तंत्र हमको देखने को मिलता है। तो क्या यहां से ये कहा जा सकता है कि जिस अपवाह तंत्र क्षेत्र की बात कर रहे हैं वह कैसा होगा भाई, स्थलाकृति होगा। पहला यहां पर नोट कीजिए आप सभी लोग, स्थलाकृति और ढाल होंगे भाई, ढाल जहां पे होगी वहीं तो नदियां बहेंगी, फ्लो होंगी भाई, और बहते जल की मात्रा, बहते हुए जल, और कह सकते हैं कि बहाव की अवधि या बहाव आदि पर निर्भर है, आदि पर निर्भर है, ठीक है। हमने ये बताया कि अपवाह तंत्र के क्षेत्र या ऐसा क्षेत्र आपको कहीं पर ढलाव मिल जाए, आपको कहीं बहता हुआ जल मिल जाए, या आपको एक ढाल प्रकार से ऐसी भूमि मिल जाए जहां पर पानी वगैरह निकल रहा हो, जिसमें हम नदियों के बारे में अगर बात करें तो ऐसा ही सिस्टम देखने को हमको मिलता है, कुछ इस प्रकार का, ठीक है। अब उसके बाद कहा जाए तो यहीं तक बात सीमित नहीं होती, पॉइंट्स और भी बनते हैं। ये मैं आपको बेसिक बातों को समझा रहा हूं कि ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, नदी जो होती है, नदी वो अपना जल किसी विशेष दिशा में बहाकर समुद्र में मिलाती है, ठीक है, या कई कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ पे नोट करिएगा, अपवाह तंत्र क्षेत्र और किसे कहते हैं, यहाँ पे नोट करिएगा, नदी अपना जल, ऐसा क्षेत्र जहां पर नदी अपना जल किसी विशेष दिशा में, किसी विशेष दिशा में बहाकर समुद्र में मिलाती है, बहाकर समुद्र में मिलाती हो, समुद्र में मिलाती है, ठीक है। अब देखिए एक एक पॉइंट मैं क्यों लिख रहा हूं, अगर मैं चाहता तो मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा देता, लेकिन कोई समस्या नहीं है। पीडीएफ आप कब तक रखे रहोगे भाई, नोट्स आप बना के रखोगे ना अपनी कॉपी में, या आपकी हमेशा नोट्स चलेगी और इसको रिवाइज करते रहिएगा आप, ठीक है। हमने ये बताया कि नदी जो है अपना जल, यानी नदी का जो जल होता है, क्योंकि नदी के द्वारा बहाया गया जो भी जल है
कोई नदी अपने साथ जल बहा के ले जा रही है तो वह जल कहीं ना कहीं समुद्र में गिराएगी भाई, जाहिर सी बात है। तो यही पॉइंट हमने लिखा है कि अपवाह तंत्र हम उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर नदी अपना जल किसी विशेष दिशा में ठीक है बहाकर समुद्र में मिलाती हो, और यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे जैसे कि अगर बात की जाए, जैसे मान लीजिए भूतल का ढाल हो, भूतल का ढाल अर्थात ऐसी भूमि जहां पर ढाल हो वहां पर भी नदियां भाई ढाल होगी तो नदियां बहेंगी। उसके अलावा कुछ ऐसी भौतिक संरचना अभी सब समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान रखना ये बेसिक बातों को मैं लेके चल रहा हूं। उसके बाद अगर कहा जाए तो जल प्रवाह मात्रा यानी जल प्रवाह की मात्रा, जल प्रवाह मात्रा एवं जल का वेग ठीक है, तो ये कई बातों पर निर्भर कर सकता है, जैसे भूतल का ढाल होना। मान लीजिए एक ऐसी भूमि, ये मान लीजिए पहाड़ हो गया पहाड़, और भाई ये देख रहे हैं आप ये यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर ढाल है कि नहीं ढाल है। अगर आप यहाँ से कोई पानी डालेंगे या वाटर डालेंगे ये बिल्कुल फास्ट बहुत तीव्र गति से आएगा ये, और जहां पर समतल पाएगा वहां पर इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, अर्थात यहां तक तो पानी तेज स्पीड में आएगा लेकिन जैसे ही यहाँ प्रवेश करेगा तो पानी कुछ यूं इस प्रकार से जाने लगेगा, क्योंकि स्पीड अभी तो यहाँ से बिल्कुल तेज आया लेकिन जैसे ही वो मैदानों में प्रवेश किया समतल भूमि में वो पानी का वेग इस प्रकार से बिल्कुल स्लो हो गया। ठीक है, ये बातें थी। आइए देखिए यहां पर अब उसके अलावा मैं बात करूं तो हम क्या करने वाले हैं, इस प्रकार जो हमने आपको बताया इस प्रकार के क्षेत्र या इस प्रकार के स्थान या इस प्रकार के भूभाग हमको देखने को मिलते हैं, और इस प्रकार हम कह सकते हैं इस प्रकार हमारे भारत देश में 400 से अधिक सॉरी 4000 से अधिक छोटी बड़ी नदियां पड़ी नदी हैं। यानी यहां से हमने क्या बताया कि इस प्रकार से आप अगर जब भी देखेंगे तो यहां पर छोटी बड़ी नदियों को अगर बात की जाएगी भारत जैसे देश में तो 4000 से अधिक छोटी बड़ी नदियां देखने को मिलता है हमें। ठीक है, ये तो बात यहां तक हो गई कि हम 4000 से अधिक छोटी बड़ी नदियां देखेंगे, इसमें से कुछ नदियां ऐसी होंगी जो बहुत बड़ी मात्रा में होंगी और कुछ नदियां ऐसी होंगी जो बहुत छोटी होंगी। तो इस जो हमने चार नदियों को आपके सामने रखा इन 400 नदियों को हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी जो 4000 आप नदियां देख रहे हैं 4000 नदियां, इन 4000 नदियों को हम अगर टू पार्ट में डिवाइड करें ठीक है, टू पार्ट में अगर डिवाइड करें तो डिवाइडेशन देखिए क्या क्या हो सकता है। पहला जो हम पढ़ेंगे हिमालय की नदियां, नोट्स बनाते रहिएगा आप हमारे साथ, हिमालय की नदियां या इसी को आप कह सकते हैं उत्तर भारत की नदी, पहला हो गया। दूसरा अगर बात की जाए तो यहां पे कहा जा सकता है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां या इसी को आप कह सकते हैं दक्षिण भारत,
दक्षिण भारत की। देखिए अगर आप सभी लोग हमारे साथ कई दिन से पढ़ते आ रहे होंगे ना, तब आपको मालूम होगा कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, दक्षिण भारत का विस्तार कहां से कहां तक है, हिमालय ये सब क्या है, ये मैं आपको बता के चला हूं इसमें, तो इसलिए आपको यहां तक तो कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना भाई। एक मिनट रुकिएगा, चलिए देखिए अब इसी को हम समझने वाले हैं पूर्ण रूप से। और देखिए इस प्रकार से मैं किसको बताता हूं, हमने ये बताया कि हमारे भारत जैसे देश में 4000 से अधिक नदियां हैं, जिसमें छोटी बड़ी नदियां हैं 4000 से अधिक। तो हमने सबसे पहले आपको ये बताया कि कुछ नदियां ऐसी हैं जो हिमालय की नदियां हैं, अर्थात उत्तर भारत की नदियां हैं। दूसरा हमने ये बताया कि कुछ ऐसी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, अर्थात दक्षिण भारत की नदियां हैं। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे हिमालय की नदियां। तो यहां से मैं करता हूं पूरा का पूरा इरेज, अगर आप सभी लोग नोट्स बना लिए हो तो इरेज करा जाए। अब देखिए इसी को मैं लूंगा यहां, सबसे पहले हिमालय की नदियां। चलिए यहां से आप लोग उतारिए, आइए हेडिंग बनाइएगा आप सभी लोग, हिमालय की हेडिंग बनाइए इस प्रकार से, और आइए हमारे साथ साथ और देखिए कि किस प्रकार से ये हिमालय की नदियां हैं और हमको कैसे ये पढ़ना है पूरा का पूरा, ठीक है। आइए देखते हैं, सबसे पहले हिमालय की नदियों की अगर मैं बात करूं तो ऐसी क्या खूबियां हैं कि हिमालय की नदियों में ऐसी क्या खूबियां हैं जो आप बताना चाहते हैं। तो हेडिंग हमने बनवाया है तो पहले इसके बारे में मैं बेसिक बातों को बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि हिमालय की ऐसी कौन सी नदियां हैं, लेकिन इसके पहले बात बेसिक बातों को जानना अवश्य होता है। इसके पहले बेसिक बातों को मैं ये बताऊं कि जो आप जिस हिमालय की नदियों को आप बात कर रहे हैं, यह ऐसी नदी होती है जो सदा नीरा होती है। ध्यान रखना मैं जो लिख रहा हूं इसको मैं आपको समझाऊंगा एक एक बातों को। यह नदियां सदा नीरा होती हैं। सदा नीरा का साफ मतलब ये होता है बारहमासी। क्या? यह नदियां बारहमासी होती हैं। अब बारहमासी होती हैं, यहां से अर्थ क्या है? तो यहां से ये अर्थ है, हमने ये बताया कि जो भी हिमालय की नदियां होती हैं यह सदा नीरा होती हैं। सदा नीरा का अर्थ यह होता है कि इसमें सदैव पानी होता है भाई। हिमालय की जितनी भी नदियों को आप देखेंगे, इन नदियों में हमेशा पानी होगा, चाहे बरसात का मौसम हो या ना हो। हालांकि जब बरसात का मौसम रहेगा तो इसमें जाहिर सी बात है भाई, पानी तो रहेगा ही रहेगा। अगर जब बरसात का मौसम ना हो तब यहाँ पे पानी कैसे आता है? तो मैं यही बताना चाहूंगा कि मैं आपको जब पढ़ाया रहा होगा हमने हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी, और हमने आपको यह भी बताया था कि हिमालय को हम बर्फ का घर कहते हैं, क्योंकि हिमालय पर सदैव बर्फ जमी रहती है। जब वर्षा होती है तब तो नदियां तो बहेंगी ही बहेंगी, जब वर्षा नहीं होगा तब यही जो हिमालय पर बर्फ जमी हुई है यही बर्फ पिघलेगा। जब बर्फ पिघलेगा तो पानी बनकर नदियों के माध्यम से ही तो बहेगा। इस कारण से हम अगर एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो हम बात करेंगे गंगा नदी की। अगर जो भी व्यक्ति प्रयागराज से बिलोंग करते हो, अगर वो देखे हो, अगर गए हो यहाँ फाफा मोह जो ब्रिज है वहां पे आप देखेंगे तो वहां पे गंगा नदी का पूरा विस्तार है। और देखेंगे आप आल समय, आप साल के 12 महीने अगर आप जाएंगे ना, कभी भी आप गंगा नदी को सूखा नहीं देखेंगे, क्योंकि गंगा नदी का भी उद्गम कहां से होता है? हिमालय रीजन से होता है, ठीक है, अर्थात गंगोत्री से होता है। ये मैं आपको भी पढ़ाऊंगा, पहले बेसिक बातों को आप जानिए कि क्यों ये बारहमासी नदियां होती हैं। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि बारहमासी क्यों होती हैं, बताइए भाई, जब वर्षा होगी तो नदी में पानी होगा, जब वर्षा नहीं होगा तो हिमालय में बर्फ जमा होता है, और वही बर्फ का जमाव हो जब होता है तो वही बर्फ पिघलेगा,
जब बल पिघलेगा तो अपने साथ पानी निकालेगा, जब पानी निकलेगा तो यही पानी रुकेगा, नहीं तो पानी बहेगा ही, जाहिर सी बात है भाई। अब उसके बाद क्या पॉइंट है कि यह जो हिमालय की नदियां होती हैं या घाटियों में, ध्यान रखना इस बात का, या घाटियों में बहती हैं, या जो हिमालय की नदियां होती हैं या घाटियों में बहती हैं। उसके अलावा अगर बात करें हम तो यह जो हिमालय की नदियां होती हैं ये जैसे ही जैसे, अगर भाई शुरू में तो हिमालय रीजन से आएंगी तो इनकी स्पीड फास्ट होगी, लेकिन जैसे ही यह मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं या प्रवेश करने पर इनकी स्पीड, ठीक है, या इनकी धारा कम हो जाती है, ठीक है, इनकी धारा कम हो जाती है। कहने का मतलब ये सुनो मेरी बात, मान लो एक प्रकार से ये हिमालय है और यहां से नदी आ रही है, मान लीजिए बहते हुए आ रही है, जहां तक तो हिमालय है यहां तक तो बहुत फास्ट आएगा यूं सीधा, लेकिन जैसे ही बिल्कुल समतल मैदान में, या मैदानी क्षेत्र तो बिल्कुल विस्तार होता है भाई, बिल्कुल समतल होता है, जैसे ही यहां आएगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, यूं इस प्रकार से फ्लो करने लगेगी। अभी तो एक बार में अचानक से ये तेज स्पीड में आई, लेकिन जैसे ही मैदानों में प्रवेश की इसकी स्पीड कम हो गई। अगर आप ट्राई करना चाहें ना तो आप अपने छतों से, या आपके यहाँ अगर छत है, छत और वहां से अगर छत का जो बारिश का पानी निकलने वाला होता है, आप कभी भी ट्राई अगर करेंगे ना तो जब बरसात के सीजन में आप देखिएगा अपने पाइप में जब वर्षा हो रही होगी तब पानी बहुत फास्ट पाइप से निकलता है, लेकिन जैसे ही वो भूमि पर आता है पानी फैल जाता है इस प्रकार से और बहुत स्लो जाने लगता है, ठीक है। तो यही कहने का उद्देश्य था। उसके बाद अगर मैं बात करूं हिमालय की नदियां जो होती हैं यह लंबी नदियां होती हैं, यह लंबी नदियां होती हैं, ठीक है, यह लंबी नदियां होती हैं। तो हिमालय की नदियों के बारे में इतना पॉइंट हमने आपको बताया। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं ना थोड़ा सा और थोड़ा सा मैं यूनिक कंटेंट ले जाऊं ना तो हिमालय की नदियों को बताने का समय, मतलब कि दो क्लासें ऐसी ही चली जाएं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड है, इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आएंगे। अब क्या होगा कि मैं थोड़ा सा अपने पढ़ाने का पैटर्न चेंज कर रहा हूँ। अब मैं आप सभी लोगों को जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा उसके साथ उसके अगले दिन उसका PYQ मैं जरूर रखूंगा, इससे आप, हाँ ये तो मैं रखूंगा, लेकिन आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर अगर बुक्स होंगी तो आप सॉल्व कीजिएगा, प्रश्न इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, यकीन मानिए, मेरे ऊपर भरोसा रखिए आप, ठीक है। चलिए अब क्या होता है, इस प्रकार की हिमालय की नदियों को हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। टू पार्ट में क्यों भाई, तीन प्रकार में हम डिवाइड करेंगे और तीन नदियों को हम पढ़ने वाले हैं। हिमालय की जो भी नदियां हैं उसमें हम तीन नदियों को इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, चलिए वो देखते हैं। पहला सिंधु नदी, सिंधु नदी अभी मैं आपको मैप में दिखाता हूं कि ये है कहां पर। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी, तीसरा हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, इस पे आप चाहें तो इस प्रकार से बना लीजिए, ये तीन नदियों को हम चर्चा करेंगे और विस्तार में चर्चा करेंगे। तो आइए इससे पहले कि मैं आप सभी लोगों को बताऊं, इसमें मैं आप सभी लोगों को पहले मैप दिखा देता हूं कि सिंधु नदी कहां पर है, गंगा नदी कहां पर है, ब्रह्मपुत्र नदी कहां पर है। चले आपको लेकर हिमालय की सारी नदियों को मैं आपको दिखाने चल रहा हूं और यहां तक बात आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए यहां तक मैं आपको सबके सामने इरेज करता हूं और देखिएगा आपके सामने आ रहा है यहां पर पहला, देखिएगा क्या आपको यहां पर नजर आ रहा है भाई, हाँ क्या देख रहे हैं आप यहां पर, सिंधु नदी देख रहे हैं आप, देखिए
सिंधु नदी का उद्गम देखिए, उद्गम स्थान। नजर आ रहा है आपको सभी चीज? बताइए, मैप दिख रहा है आपको, दिखा कि नहीं दिखा? यहाँ पे कहेंगे आप अनेकों नदियां हैं जी। नदियां तो अनेक है क्योंकि उसकी सहायक नदियां हैं। मोस्टली जो हम पढ़ने वाले हैं हिमालय की नदियों में इसी प्रकार से पढ़ेंगे, और इनकी सहायक नदियों भी इतनी नदियां निकलेंगी कि आप देखेंगे अभी, ठीक है। आइए सबसे पहले हम चेक करते हैं सिंधु नदी कहां पर है। अगर आप सिंधु नदी देखेंगे, देखिए कहीं इस प्रकार से यहां पर सिंधु नदी निकला हुआ है, और ये भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश से होते हुए ये यूं इस प्रकार से निकला हुआ है, ठीक है। और ये सिंधु नदी आपको उत्तर भारत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पूरा का पूरा देखना, मेरी बातों को समझना। यह है सिंधु रिवर, देखिए यहां पे दर्शाया गया है सिंधु, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सिंधु नदी। मैं आपको दिखा रहा हूं, हालांकि मैं आपको यहां पे दिखा दे रहा हूं, मैं एक सिंपल मैप लेता हूं वहां पे, मैं आपको दर्शा के दिखा देता हूं यार साफ, इसमें थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूं स्वयं करके। और सिंधु की ये सभी सहायक नदियां हैं, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज वगैरह, ये सारे के सारे इसकी सहायक नदियां हैं। अब मोस्टली अगर बात की जाए गंगा रिवर की, ये देखिए गंगा नदी यहां पर है, दिखा आपको गंगा, सिंधु हो गया, गंगा हो गया। और ब्रह्मपुत्र की मैं बात करूं, यह है ब्रह्मपुत्र नदी, ये अरुणाचल प्रदेश भारत ये होते हुए ये आती है, असम में पहुंचती है और यहाँ पर बांग्लादेश में गिर जाती है, ठीक है। अभी ये मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। चलिए मैं आपको यहाँ से तो इस पूरा पूरा इरेज करता हूँ, और मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ अपनी वाली टेक्निक, और ये हमारी टेक्निक है, इसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे। आइए देखिएगा, हमने आपको बताया था कि हम मोस्टली क्या पढ़ने वाले हैं, हिमालय की नदियां हम पढ़ रहे हैं, राइट। अब हिमालय की नदियां जब हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमने आपको तीन पार्टों में डिवाइड किया। इसमें हम पढ़ेंगे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो यहां पे देखिएगा सिंधु नदी है कहां पर, ये देखना भाई, तिब्बत से निकलती है यहां से, और भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से प्रवाहित होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। ये हो गई सिंधु नदी, और ये हिमालय की नदियां हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इसकी सहायक नदियां जो भी हैं झेलम, चेनाब, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, हालांकि ठीक है इतना समझिए आप। और अगर मैं बात करूं गंगा नदी की, ये हो गई गंगा रिवर, गंगा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात की जाए, ये भी तिब्बत से बिलोंग करती है, और ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में प्रवेश करती है, और ये बांग्लादेश में प्रवाहित हो जाती है। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। अभी अनेकों सहायक नदियां निकलेंगी इनकी, ठीक है। तो यहां तक आप सभी लोगों को कोई समस्या नहीं हुई होगी, ठीक है। यहां से मैं करता हूं इरेज, और मैं आपको चल रहा हूं अब बताने कि वहां तक तो मैंने आपको समझा दिया था, इसमें मैंने नदियों को दो भागों में डिवाइड किया था, और ये बताया था कि 4000 से अधिक नदियां हैं, इसको हमने दो पार्टों में डिवाइड किया था। पहला एक हिमालय से निकलने वाली नदियां, दूसरा हमने बताया था प्रायद्वीपीय नदी। तो हिमालय की निकलने वाली नदियों को मैंने डिस्कस कर दिया है। अब मैं बात करता हूँ प्रायद्वीपीय नदी। अब प्रायद्वीपीय नदी के बारे में चलिए आप जाने यहाँ पर हमारे साथ, आइए यहाँ पर हेडिंग बनाइए प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां,
हेडिंग बनाइएगा इसको और समझिएगा कि प्रायद्वीप भारत क्या है। मैं आपको सब दिखाऊंगा अभी नक्शे में और मैप में आपको मैं सब दिखाता चलूंगा। इसके बारे में पहले हमको बेसिक बातों को जानना अति आवश्यक होता है। यहां से आइए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो प्रायद्वीपी भारत की नदियों को हम सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। या मैं इससे पहले आपको ये बताऊं कि जो प्रायद्वीपी भारत की नदियां होती हैं यह ऐश्वर्य का निर्माण करती हैं। सॉरी यार, ये ऐसे नहीं है। देखिए, ये मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि मैं इसका डिवाइडेशन कर देता हूं। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो भी नदियां हैं इसको हम टू पार्ट में पढ़ने वाले हैं। इस प्रायद्वीपीय भारत की जो भी नदियां हैं, एक तो नदियां ऐसी होंगी जो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, या एक नदियां ऐसी होंगी जो अरब सागर में, यानी नदियां बहती हुई अरब सागर में जाकर गिर जाएंगी, और दूसरी नदी होगी जो बंगाल की खाड़ी में खाड़ी अरब सागर क्या है। मैं हजारों मरतबा जब से आपका फाउंडेशन कोर्स चल रहा है मैं बता चुका हूं कि अरब सागर क्या है, बंगाल की खाड़ी कहां पर है, हालांकि मैं आज फिर बता दूंगा आपको। तो एक नदी है देखो प्रायद्वीपीय भारत, अर्थात साफ मतलब यहाँ पे दक्षिण भारत, ठीक है। तो ये नदियां होंगी, या तो नदियां अरब सागर में गिरेंगी या तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेंगी। अब यहां से यहां ये कहा जा सकता है कि जो ऐसी नदियां जो अरब सागर में जाकर गिरेंगी वह ऐश्वर्य का निर्माण करेंगी। किसका? ऐश्वर्य का निर्माण, ठीक है। ऐसी नदियां जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया, या तो ये नदियां अरब सागर में गिरेंगी या ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। जो नदियां अरब सागर में गिरेंगी वो ऐश्वर्य का निर्माण करेंगी। ऐश्वर्य का अर्थ यहां से क्या हुआ वो समझा दीजिए आप। चलिए भाई जान लीजिए, मैं ये कह सकता हूं ऐश्वर्य का अर्थ ये होता है कि पानी या नदी द्वारा बहाया गया पानी, ठीक है, सीधा गिरा देती है अपनी, सीधा समझ रहे हैं इसका मतलब। मान लीजिए ये नदियां हैं, ये नदी आ रही बिल्कुल सीधा और पानी यूं अपना इस प्रकार से गिरा दी, पानी अपना इसने यूं इस प्रकार से गिरा दिया। तो इस प्रकार की नदी जो अरब सागर में गिरती हैं, प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी नदी जो अरब सागर में गिरती हैं, उन नदियों को हम कहते हैं यह नदियां ऐश्वर्य का निर्माण करती हैं। ऐश्वर्य का अर्थ होता है कि पानी, नदियों के द्वारा लाया गया पानी सीधा ये महासागरों में गिरा दिया जाए, ठीक है। चलिए, अब बंगाल की खाड़ी में जो भी नदियां होंगी भाई, ये भी नदियां ऐसी होंगी जो कुछ निर्माण करेंगी बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूं यानी प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वह डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा का निर्माण करती है। अब डेल्टा से यहां पर अर्थ क्या है वो समझिए कि डेल्टा मतलब क्या होता है। सुनना मेरी बातों को कि डेल्टा मतलब क्या होता है ये बताइए आप। देखिए, अभी तक तो ऐश्वर्य का निर्माण हो रहा था, इसमें पानी नदियों के द्वारा लाया गया पानी सीधा समुद्रों में डायरेक्ट गिर जा रहा था, लेकिन यहां पर क्या होगा, पानी यानी नदियों के द्वारा जो भी लाया गया जल होगा वो अलग 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 वितरिकाओं अलग अलग वितरिकाओं में बट जाता है। मान लीजिए इस प्रकार से देखिए, इसका उदाहरण आप देख लीजिए, एग्जाम्पल, ये नदी आई सीधा अपना पानी यहां पे इसने गिराया, ठीक है। लेकिन यहां पर जो नदी आ रही है वो भी आ रही है इसी प्रकार से, लेकिन इसकी ये एक धारा इधर निकल गई, यूं इधर निकल गया, इधर निकल गया, इधर निकल गया, क्योंकि ये नदियां जो है अलग अलग वितरिकाओं में बट जाती हैं। और इस प्रकार से जब नदियां अलग अलग वितरिकाओं में बट जाती हैं तो यहीं पर डेल्टा का निर्माण होता है। अगर आप पढ़ेंगे अभी हमारे साथ कि गंगा नदियों के द्वारा जो भी डेल्टा बनता है उस डेल्टा को बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, ये सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है भारत में, ठीक है। तो यहां तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर।
अब आप कह रहे होंगे कि अरब सागर में ऐसी कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं और ऐश्वर्य का निर्माण करती हैं, और आपने ये नहीं बताया कि ऐसी कौन सी नदियां हैं प्रायद्वीपी भारत की जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। चलिए उन नदियों को आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। आइए यहाँ पर चेक करते हैं हम। सबसे पहली नदी जो अरब सागर में गिरेगी, इसमें मैं कह सकता हूं लूनी नदी। अभी मैं आपको मैप दिखा रहा हूं, थोड़ा सब्र रखिए बस। लूनी नदी, माही नदी, ठीक है, उसके अलावा कहा जा सकता है तापी रिवर, तापी नदी, और अगर बात की जाए पेरियार, पेरियार नदी, उसके अलावा श्रावती नदी, श्रावती नदी, और भी कहा जा सकता है जुआरी। ये सारी की सारी नदियां अभी मैं आपको दिखा रहा हूं यह कहां पर गिरेंगी, अरब सागर में। और भी नदियां हैं कुछ, इसमें नर्मदा, एक एक नदियों को मैं आपको पढ़ाऊंगा, और साबरमती। थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपको दिखाता हूं, मैप में आपको दिखा रहा हूं। ये पहले आप नोट कीजिए इस प्रकार। ये ऐसा नोट्स आपको मिलेगा नहीं जिसमें मैं आपको नोट्स तो दे रहा हूं, साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप भी हो रही है मैपिंग के साथ, ठीक है। आइए हम देखते हैं अरब सागर में ऐसी कौन सी नदियां हैं, सॉरी बंगाल की खाड़ी में ऐसी कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण करती है। यहां पे लिखिए, नोट कीजिए, गोदावरी नदी, और कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये कहां कहां फ्लो करती है, मैं एक एक नदियों के बारे में डिस्कस करूंगा। लगभग आप सभी लोगों का ड्रेनेज सिस्टम 4 से 5 दिन चलने वाला है, 4 से 5 दिन, ठीक है। और कहा जा सकता है दामोदर नदी, ये भी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ईटीसी नदियां ऐसी हैं। तो यहां तक आप सभी लोग इस प्रकार से नोट्स बनाइए। पहले हमने आपको बताया कि हमारे भारत में 4000 से अधिक नदियां हैं, छोटी बड़ी नदियां हैं, इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरा हमने बताया आपको प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ठीक है। तो यहां तक आप सभी लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए मैं यहां से पूरा इरेज करता हूं और आपको ले चल रहा हूं मैप में, और मैप देखिएगा आप सभी लोग, ये देखिए, ये ऐसी नदियां हैं जो कहां पर गिर रही हैं, यहां पे देखना भाई, देखिए ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया, अरब सागर, पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, जल है, जल, ये अरब सागर। अब आप देखिए कहां पे है बंगाल की खाड़ी, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर बंगाल की खाड़ी है, थोड़ा लेट लगे, थोड़ा लेट हो, लेकिन समझ में सब कुछ आना चाहिए आपको। और यार कम से कम आप सभी लोग पढ़ रहे हो ना, तो आपके पास मैप जरूर होना चाहिए, आपके सामने जस्ट मैप, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप जरूर होना चाहिए, खासकर आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो, बाकी वैसे टाइम पास करना तो सभी कर सकते हैं। ये बंगाल की खाड़ी हो गया। तो ऐसी भारत की नदियां, हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, या तो नदियां अरब सागर में गिरेंगी या बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। तो यहाँ पर जो भी नदियां आपको देखने को मिल रहा है, सारी की सारी नदियां कहां पर गिर रही हैं, बंगाल की खाड़ी में। मैं सब लिखा चुका हूं आपको, देखिए यहां पर आप, हम भी हमने आपको बताया था दामोदर नदी के बारे में, ये देखिए दामोदर नदी यहां से आ रही है, यहां पर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा दे रही है। और ऐसी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की, ऐसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हो वह डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का, ये स्वर्ण रेखा, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप मोस्टली जो हमने आपको बताया अभी, देखिए ये अभी हमने आपको बताया महानदी, महानदी, तो ये देखिए यहां से फ्लो कर रही है
और ये भी कहां गिर जा रही है, यहां पर देखना, ये भी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा रही है। और यहां पे आपको दिख रहा होगा गोदावरी नदी के बारे में, और गोदावरी नदी देखिए यहां से फ्लो कर रही है और यहां से आ रही है, ठीक है। अब सब मैं बताऊंगा, अभी आप देखिए बस मैप कि ऐसी कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। गोदावरी, फिर आप देखिए कृष्णा को, कृष्णा नदी यहां से आ रही है और यहां से फ्लो करते हुए अभी बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है। ऐसी नदियां सब के सब डेल्टा का निर्माण करती हैं। फिर देखिए पेन्नार रिवर, कावेरी नदी, ये देखिए यहां से निकलती हुई आ रही है और यहाँ पर डेल्टा का निर्माण यूं इस प्रकार से कर रही है। तो यहाँ से आप सभी लोगों ने देख लिया कि सारी की सारी नदियां कहां पर गिर रही हैं, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप दक्षिण भारत का एक मैप बनाइएगा और उसमें इस प्रकार से सभी नदियों को आप बनाइएगा और मैं आपको एक एक नदियों के बारे में बताऊंगा। अच्छा आप लिख लीजिए, ऐसा करिए दामोदर नदी जो है ये वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है, नोट करिए इसको। महानदी जो फ्लो करती है ये उड़ीसा में, गोदावरी अगर आप देखेंगे ये महाराष्ट्र में, और कृष्णा नदी आप देखेंगे कृष्णा ये भी महाराष्ट्र में फ्लो करती है, और कावेरी नदी की अगर बात करेंगे तो कर्नाटक में। हालांकि मैं सब आपको बताऊंगा ये, तो यहां से मैं पूरा का पूरा करता हूँ इरेज। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऐसी नदियां जो कहां पर गिरेंगी, यहां पर जो भी हमने आपको बताया था अरब सागर में, वो देखिए। देखिए थोड़ा सा मैप धुंधला दिख रहा होगा, आइए अब ये क्या है, पूरा का पूरा अरब सागर है ना, ये क्या है अरब सागर। अब सारी की सारी नदियां देख रहे हैं आप, ये अरब सागर में गिरती हैं। और ऐसी नदियां जो प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, यह निर्माण किसका करती है, ऐश्वरी का। ऐश्वरी का अर्थ ये हुआ कि सीधा नदियों के द्वारा जल लाया गया सीधा पानी में गिर जाए, ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब आइए देखिए कौन कौन सी नदी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले लूनी नदी, ये तो भाई ऐसी नदी है जो ना तो क्या होता है ये लुप्त हो जाती है, जब वर्षा होती है तभी ये नदी देखने को मिलती है, बाकी ये लुप्त हो जाती है, लूनी रिवर। फिर साबरमती देख रहे हैं, साबरमती नदी यहां से फ्लो करते हुए कहां पे गिर जा रही है, आगे अरब सागर में। फिर देखिए नर्मदा नदी, देखिए यहां पर नर्मदा नदी यहां से फ्लो करते हुए ये गिर जा रही है यहां पर अरब सागर में। फिर आप देखेंगे मांडवी नदी, जुआरी नदी और शरावती और पेरियार नदी, ये सभी नदी कहां पे गिर जा रही है, अरब सागर में। तो ये तो आज आपका बेसिक बातें थी जो मैं आपको दिखाया कि एक्चुअल में नदियां होती क्या है और किस प्रकार से हमको नदियों को पढ़ना है, ये तो बेसिक बातों को हमने आपके सामने दर्शाया है। और कल की जो क्लास होगी ना, सबसे पहले मैं हिमालय की नदियों को, तीनों नदियों को जो हमने आपको बताया है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तीनों को पढ़ेंगे और तीनों की सहायक नदियों को पढ़ेंगे और विस्तार से आपको मैपिंग के थ्रू लेकर चलेंगे। तो आज की फिलहाल हम सेशन को यहीं तक रखेंगे और मिलते हैं हम आपको आगामी क्लास में। यदि हमारे द्वारा दिया गया कॉन्टेंट और पढ़ाया गया जो भी सारी चीजें हैं अगर आपको समझ में आ रही हो तो आप कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप जुड़े हुए हैं, आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप जितना जल्द से जल्द अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस होते हैं वैसे ही अपने चैनल पर लाइव सेशन की सुविधा अवेलेबल हो जाएगी। जब लाइव चलेगा आपको बिल्कुल बहुत बेहतरीन अंदाज में कॉन्टेंट अवेलेबल मेरी कराने की जिम्मेदारी है, क्योंकि इस कोचिंग का डायरेक्टर मैं हूँ और मैं जिस प्रकार से कहूंगा हमारे जितने भी एडुकेटर्स रहेंगे वो उसी प्रकार से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं बात करता हूँ, आने वाले आगामी क्लास में बात करेंगे, आज के लिए फिलहाल इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत साथियों।